हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रेवलर। तो आज मैं हूँ एक हिल स्टेशन में और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। मेरे बैक साइड में क्या शानदार लश ग्रीन है और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। अभी मैं आपको फ्रंट का भी व्यू दिखाऊंगा। इस सिटी दिख रही है, इस सिटी का नाम है पिथौरागढ़ सिटी और ये सामने एयरपोर्ट है, नैनीसैनी एयरपोर्ट नाम है इसका। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस खतरनाक सी पहाड़ी को क्रॉस करके, इससे 5 किलोमीटर रन, और मुझे इस पहाड़ी को क्रॉस करना है कुछ इस तरह से। तो हम देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा, बेहद ब्यूटीफुल। अभी बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन लगता है शायद बारिश हो जाए। बेहद ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, लश ग्रीन व्यू अब आप यहाँ से देख सकते हैं, पिथौरागढ़ का नैनीसैनी एयरपोर्ट। तो इसी एयरपोर्ट के एंड में मेरा अपना घर है। तो अभी मैं इस पहाड़ी को क्रॉस करता हूं। इससे बेटर इवनिंग वॉक शायद हो नहीं सकती। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा एंड आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। तो एक छोटा सा पैच चाहिए, इसको क्रॉस करने के बाद मैं सीधे एयरपोर्ट के पास पहुंच जाऊंगा। दैट्स द किड्स प्लेग्राउंड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ अपने होम टाउन पे, अपने घर की छत पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने अम्ब्रेला भी कैरी किया हुआ है। तो अब आपको मैं यहाँ से, अब मेरे घर की छत से सिटी का नज़ारा दिखाऊंगा। जैसे आप देखते हैं तो देखते हैं कि सामने बिल्कुल क्लाउड दिख रहा है यहाँ पर। तो डेली सुबह इसी तरह के क्लाउड दिख जाते हैं यदि आप छत पर खड़े होते हैं तो। और सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के टॉप में मैं कई दफ़े जा चुका हूँ एज ए मॉर्निंग वॉक। और ये सड़क है एंड ये सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। अभी बारिश हो रही है तो आपको क्लाउड दिख जाएंगे, क्लाउड फ्लोटिंग। टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, बिलो 10 डिग्री, कोई उमस नहीं। बेहतरीन नज़ारा। अब इस तरह के नज़ारे को छोड़ के कहाँ जाया जा सकता है। और एक स्मॉल सी पहाड़ी, अगेन वो छोटा सा टापू है, दोनों टापू मेरे मॉर्निंग वॉक के पॉइंट, और सामने मेन सिटी और एक एयर स्ट्रिप।
जो सामने है वो नैनी सैनी एयरपोर्ट है एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ एंटायर सिटी। बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ चारों तरफ, लवली वेदर। तो आज बारिश हो रही है, इस वजह से मैं कई जगह जा नहीं पाया, तो घर से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वेदर ठीक होने पर मैं यहाँ से सारी चीज़ें करूँगा, ड्रोन फुटेज कैप्चर करेंगे, सिनेमेटिक व्यूज ऑल्सो। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, सामने क्लाउड बिल्कुल खुला खुला, और यहाँ पर फसल भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्के और धान की फसल। तो घर के नियर बाई एरिया में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हो जाती है। आज लगता है फुल डे बारिश रहेगी, बहुत ही बढ़िया वेदर। अब तो सिटी के ऊपर भी क्लाउड आने लगा है, एक्चुअल सिटी इसके पीछे है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसमें एयर स्ट्रिप क्लियर हो गई है और सामने सिटी, सामने सिनेमा हॉल नज़र आ रहा है, डीआरडीओ का एक सेंटर है होम, और एक छोटी सी पहाड़ी, उसके पीछे डिफेंस एरिया। तो ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, इसके ऊपर मैं अपने मॉर्निंग वॉक के टाइम पे जाया करता हूँ। इसके बगल में एक और छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ पर भी मॉर्निंग वॉक, एंड उसके बगल में एक छोटा सा पठार टाइप का है, यहाँ पर मेरा टाइम पास पॉन्ड पार्ट है ये। तो जब भी मौसम ठीक हो तो मैं अक्सर इनके ऊपर चढ़ जाता हूँ, रेस्टिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग, शूटिंग, फोटोग्राफी, ड्रोन की टेस्टिंग एंड ऑल। तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो गाइज आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश रुक चुकी है। व्हाट ए लवली वेदर, बिल्कुल सिटी के ऊपर क्लाउड दिख रहा है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये एयर स्ट्रिप है, इसके ऊपर एक क्लाउड है, यहीं पे सिटी है, सिटी पिथौरागढ़। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, लेस ग्रीन, नो पोल्यूशन, चिल। बारिश कम हो चुकी है, अब मेरे निकलने का टाइम हो चुका है। कुछ इस तरह से बर्फ, बादलों की चादर इसमें नजर आ रही है। तो अब मैं जाऊँगा सामने पहाड़ी पे, जहाँ बिल्कुल ही सामने पहाड़ी दिख रही है वहाँ, और वहाँ से पूरी सिटी को कैप्चर करूँ। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And